तो हम मकर लग्न की कुंडली में शनि के विभिन्न भावों में परिणामों के बारे में बात कर रहे थे। जब भी शनि विभिन्न भावों में स्थित होते हैं और आपको शनि की महादशा आ जाती हो, तो इस वीडियो में 11वें भाव के बारे में अब हम बात करेंगे। 11वें भाव में अगर आपका शनि स्थित है मकर लग्न की कुंडली में, तो यहाँ शनि वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। वृश्चिक राशि में ऐसा शनि वास्तव में आपके लिए कुछ सेक्रेट इनकम के रास्ते खोलेगा और ये शनि आपके 8वें भाव को भी आपके 11वें भाव से कनेक्ट करता है। इसलिए ज़्यादातर जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी धन संपत्ति को लेकर या लाभ को लेकर, वो काफ़ी सेक्रेट हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ज़्यादातर केस में खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, खुद के बल पर आपको काम करना पड़ेगा और दूसरे लोगों पर आपको उतना ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये 11वां भाव है, तो 11वां भाव होने की वजह से अब आपके कुछ हद तक अच्छे लोगों से जो रिलेशन है वो आपको हालांकि अच्छा प्रभाव दे सकते हैं धन या संपत्ति संबंधी मामलों में। अब ये 11वां भाव है और यहाँ वृश्चिक राशि में शनि है, तो निश्चित रूप से शनि यहाँ आपकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल करने का काम करेंगे। पर क्योंकि शनि आपके लगन से संबंध रखते हैं, इसलिए आपको फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब शनि की ये जो महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपके 5वें भाव में कोई ग्रह स्थित हो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका मंगल चार्ट में कैसे स्थिति में है, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर मंगल ही है। और अगर शनि का संबंध किसी भी शुभ ग्रह से हो, जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह से, शुक्र जैसे ग्रह से, तो आपके लिए धन अर्जित करना और धन का सही उपयोग करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ शनि आपको थोड़ा सा व्यवहार के दृष्टिकोण से स्ट्रिक्ट बना देते हैं कभी कभी, और आप खुद को ज़्यादा लाभ पहुँचाने के बजाय दूसरों की मदद करने को भी ज़्यादा देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि उधार दिया हुआ पैसा वापस लौट के नहीं आ रहा और आपने धन अर्जित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जो टारगेट थे धन अचीव करने को लेके या लाभ अचीव करने को लेके, वो अधूरे रहे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद ही सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनि आपके लग्न को एस्पेक्ट करेंगे, और आपके चार्ट में शनि लग्न को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, आपके दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अब एक और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो कि आपके परिवार की, आपके धन संपत्ति की, वो भी आपसे जुड़ जाती है। और जब शनि आपके लग्न को एस्पेक्ट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनाएंगे और लगभग आपको हमेशा एक्टिव रखेंगे। लेकिन कभी कभी आपकी जो मेहनत है, आपके जो प्रयास हैं, वो व्यर्थ चले जाएंगे, वो थोड़ी परेशानी भी ज़रूर होगी। और आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं, हो सकता है वो टारगेट आप अचीव ना कर सकें। तो यहाँ पे अब आपको खुद के बल पे ही काम करना पड़ेगा, खुद की एबिलिटी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब आपको खुद पर डिपेंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी अन्य व्यक्ति पर आप डिपेंडेंसी ना रखें। इसके साथ साथ आप अपने नेटवर्क सर्कल में अच्छे लोगों को शामिल करें जो वास्तव में रेस्पॉन्सिबल पर्सन है किसी भी काम को करने को लेकर। ऐसा शनि आपको ज़्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट करेगा और उनके थ्रू फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ आपको शनि कनेक्ट करेगा, आपके पास बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, लेकिन वो काफ़ी ईमानदार, विद्वान और पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जिनको आप कोई ना कोई अच्छी सलाह भी दे सकते हैं धन या संपत्ति को लेकर। अब शनि का दृष्टि क्योंकि लग्न पर है, लेकिन आपके दूसरे भाव के स्वामी भी शनि हैं और मूल त्रिकोण जो राशि है शनि की वो आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, तो इस बात के चांसेस बनते हैं शनि महादशा में कि ये शनि आपको धीरे धीरे धनवान बनाएगा। इस दशा के दौरान आप अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भौतिकवादी जीवन की तरफ भी आप आकर्षित नहीं होंगे। शनि दशा में आप लगभग ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ पर आपके प्रत्येक जो रिक्वायरमेंट है धन संपत्ति को लेकर, आप उसको पूरा ज़रूर कर सकें। इसके अलावा आपकी वाणी पर भी शनि का अवश्य ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि वाणी स्थान भी शनि के द्वारा प्रभावित है। ऐसी कंडीशन में आप किसी के भी साथ जब व्यवहार करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं, जिससे सामने वाले को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर बनाने के लिए प्रयास अवश्य करिएगा। फिर शनि का एस्पेक्ट है आपके 5वें भाव पे, जहाँ पर वो अपने मित्र शुक्र के घर को एस्पेक्ट करेंगे। अब शुक्र का इम्पोर्टेंस आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका शुक्र जितना अधिक मजबूत होगा उतना अच्छा आपको निर्णय लेने में आसानी रहेगी, आपको
कोई भी क्रिएटिव वर्क करने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ अपने संतान से जुड़े हुए मामलों, अपनी लव लाइफ से जुड़े हुए मामलों या अन्य कोई भी धन संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में आप बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और ऐसे में आप अपने माइंड को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रख सकेंगे। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि पंचम भाव से जुड़े हुए कुछ कार्य आपको डिले ज़रूर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर कोई ऐसी अर्निंग्स करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई लॉटरी वगैरह में, कोई सट्टा वगैरह में पैसा लगाया हो, आपने शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाया हो, तो यहाँ आपको हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ देखना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी जगह पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो या जहाँ पर ऑलमोस्ट पैसा खोने की स्थिति में ही हो आप। तो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। इसके साथ ही शनि आपके आठवें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। आठवें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा, हालांकि धन संपत्ति को लेकर एक स्थिरता ही आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। ऐसे में लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज लाने के लिए आपको खुद से ही प्रयास करने होंगे, आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जिससे आपकी लाइफ क्विकली चेंज हो, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आएँ। इसके लिए आप और आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके साथ साथ शनि आपको कुछ सेक्रेट इनकम भी देगा, लेकिन सेक्रेट इनकम के बजाय आप अगर खुद पर डिपेंडेंट रहें, खुद के फैसलों पर डिपेंडेंट रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आप किसी भी अन्य व्यक्ति का जो पैसा है उसको बिना कोई ऐसी ईमानदारी दिखाए या कोई भी ऐसा काम करे जिसमें आपने कोई प्रयास नहीं कराओ, उसके बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे कहीं ना कहीं। और आपका जो पैसा है वास्तव में वो सही तरीके से कमाया गया पैसा ही आप यूज कर सकेंगे, उसी का आप फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर आप छोटा सा भी कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं शनि महादशा में तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी पूरी लाइफ को बदलने की क्षमता रखेगा। अब हम बात कर लेते हैं शनि का जो आपकी एज के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा कि कौन सी एज में अगर ये दशा आ रही है तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी, कौन सी एज में कितनी अधिक संभावनाएं यहाँ शनि आपको दे सकता है आपके करियर वाइज या आपके आर्थिक मामलों में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दशा, अगर आपको 5 से 10 साल की आयु में अगर स्टार्ट हो जाती है तो ये आपके करियर को, एजुकेशनल करियर को बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रभावित करेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको पढ़ाई में थोड़ी देरी हो सकती है या आपने अपने स्टडीज़ थोड़ी सी देर से शुरू करी होंगी, आपने बहुत ज़्यादा शुरुआत में फोकस नहीं करा होगा, शुरुआत में चीज़ों को सीखने, लर्न करने, एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल हुई होगी। लेकिन जो कुछ भी आपने शुरुआत से सीखा है उस पर शनि का प्रभाव हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि हम परमानेंट प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका शुरुआत से आपको कैसा परवरिश मिला है फैमिली के थ्रू, आपको अपनी फैमिली के थ्रू किस प्रकार के संस्कार मिले हैं, कैसी एजुकेशन मिली है, कैसा माहौल मिला आपको स्कूल या कॉलेज में जहां भी आप रहे हैं, वो सब का इम्पेक्ट आपके थॉट्स पे आएगा, आपके निर्णय लेने के तरीके और सोचने समझने के तरीकों पर आएगा। तो अब आपके लिए शुरुआत से ही जो आपको माहौल मिला है, शुरुआत से ही जो आपको वातावरण मिला, वो आपके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जैसे ये दशा किसी को 25 साल या 30 साल की आयु में आ रही है, ये समय आपके लिए सर्वोत्तम होगा इस दशा का लाभ उठाने के लिए। लेकिन अब आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा इस दशा का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये शनि आपके कहीं ना कहीं 5वें भाव को, आपके 11वें भाव को और लगन को कनेक्ट कर रहा है। इस वजह से निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि आपका जो व्यवहार है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। अब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, लोगों के साथ आप कैसे जुड़ते हैं, लोगों के साथ आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे करते हैं या आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं जब भी आप उनके साथ कन्वर्सेशन में होते हैं, ये सब आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसी दशा बहुत लेट एज में आए, जैसे कि 40 की एज में या 45 की एज में, तो ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, पंक्चुअल बनाएगी, और इस दशा में आप ज़्यादा नेम फेम प्रतिष्ठा अर्जित कर सकेंगे और धन संपत्ति के मामले में भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति को देख सकेंगे अपने जीवन में। पर वास्तव में आप अपने काम के प्रति, अपने धन के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा ही सीरियस रहेंगे।